हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई एक कंपनी जो अब कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे टेली कम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी में। तो बात कर रहे हैं हम एक छोटे शेयर की, पेनी स्टॉक की, वोडाफोन आइडिया की। 12 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और इतने लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए नजर आया पिछले एक साल में। आप देख सकते हैं जो 52 वीक लो है 2 रुपये 70 पैसे का है, 52 वीक हाई 13 रुपये 80 पैसे का है और अभी 12 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है 4.26% की तेजी के साथ। तो आज प्रीवियस क्लोज देखेंगे 11 रुपये 75 पैसे का था, ओपन होता है आज 11 रुपये 75 पैसे पर ही। हाई है 12 रुपये 40 पैसे का, लो है 11 रुपये 65 पैसे और 12 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे हम रिफ्रेश भी करके देखते हैं तो 12 रुपये 25 पैसे 17 फरवरी 10:49 4.26% की तेजी के साथ। तो इसके बाद देखते हैं किस टाइप की इसके ऊपर न्यूज हैं और कैसे आगे आने वाले टाइम में ये हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, किस लेवल के ऊपर इसे हमें खरीदना चाहिए, कहां पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, काफ़ी लंबा जो ब्रेकआउट है 2015 के बाद से, तो उसको हम जरूर स्टडी करेंगे किस टाइप का ये ब्रेकआउट है और कितने लेवल्स ये दे सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इससे मिलने की उम्मीद है और डाउनसाइड इसके अंदर लिमिटेड है। शॉर्ट टर्म में जरूर स्टॉक जो है रिजल्ट्स का वीक जरूर दिखाई दिया था, तो आने वाले टाइम में किस टाइप के इसके रिटर्न्स हो सकते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा है उसको हम स्टडी करेंगे। उससे पहले रिजल्ट्स पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे, उसके बाद न्यूज के ऊपर नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं 33,820 करोड़ की कंपनी है, एक मिड साइज कंपनी है, डेट 1,05,214 का है जो कि एक मेजर कंसर्न है इनका। ROC माइनस में है, ROE भी माइनस में है, तो फंडामेंटल आप देख सकते हैं अच्छे नहीं है। बुक वैल्यू -9.29 की है, डिविडेंड जो है पे नहीं करते हैं, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का रिजल्ट है, EPS भी माइनस में आपको दिखाई दे रही है, तो फंडामेंटल अभी कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल कुछ भी अच्छे नहीं है, इसलिए आपको इस वैल्यू के ऊपर ये स्टॉक मिलता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर फंडामेंटल अच्छे होते हैं या अच्छे होंगे तो इससे ऊपर ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इस प्राइस के अंदर ऑलरेडी सब चीज फैक्टर्ड इन हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे 200 DMA से स्टॉक ऊपर ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स आप देखेंगे कि जो सेल्स आई थी वो इन लाइन ही आई थी, इतनी पहले आ रही है उससे हल्की सी ऊपर थी। OPM परसेंटेज अच्छी इन्होंने मेंटेन कर रखी है 35% के आसपास, आप देख सकते हैं पिछले 5-6 क्वार्टर से। और आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं पर भी इनका नेगेटिव नहीं है किसी भी क्वार्टर के अंदर, बट जो इंटरेस्ट बर्डन है वो काफ़ी हाई है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपको नेट प्रॉफिट को माइनस करता हुआ नजर आ रहा है। तो लास्ट 10 क्वार्टर आप देखेंगे कि इनके नेगेटिव में ही गए हैं, ये लॉसेज कम जरूर हो रहे हैं। आप देखेंगे 25,000 करोड़, 7200 करोड़, 4500 करोड़, बट जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आ जाती है, एक प्रॉफिट शो नहीं करती है, तब तक थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्क बना जरूर हुआ है क्योंकि डेट काफ़ी हाई है। इसके बाद हम देखते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देखेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 72.05 के आसपास बनी हुई है, यानी इनको अपने बिजनेस में पूरा ट्रस्ट है जिस हिसाब से ये नए फील्ड के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं और उसके अंदर मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं। जो मिड साइज स्मॉल साइज जो ऑफिस हैं उनके लिए सिक्योरिटी सिस्टम लगाना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो COVID-19 की वैक्सीन है उसके लिए नए नए टाई अप्स करना, रियल टाइम ट्रैकिंग करना, टेम्परेचर को मॉनिटर करना वेयर हाउसेज वगैरह के, तो उसके लिए जो टाई अप्स हो रहे हैं वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ये दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। सेकंड है जो फार्मर्स के साथ इन्होंने जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं फार्मर्स को रियल टाइम जो इनकी फसल वगैरह है उसके लिए नोकिया से टाई अप किया है, वो काफ़ी अच्छा इनको बेनिफिट्स दे रहा है। तीसरा है जो ये अपने टाई अप्स कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के साथ, जितने भी OEM है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर या जो इस टाइप की कंपनीज है, मारुति हुई, टाटा हुई या फिर JCB, उनके साथ ये टाई अप्स कर रहे हैं रियल टाइम जो टेक्नोलॉजी होती है गाड़ियों के अंदर, तो वो ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। सिम भी इनके पास उस टाइप की हैं जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग्स करती हैं, तो अच्छे टाई अप्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी आगे ये दे रहे हैं और उसके अंदर जो है ये एक दिग्गज प्लेयर है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर इन्होंने ग्रैब कर रखा है उसके अंदर और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, काफ़ी वहाँ से रिवेन्यूज आने वाले टाइम में इनको मिलते हुए नजर आएंगे और इनका कहना है कि अगले 10 साल में वहाँ पे मल्टीपल फोल्ड जो है रिटर्न्स आते हुए नजर आएगी। तो प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे 72.05 है, यानी इनको अपने बिजनेस में अभी भी पूरा ट्रस्ट है कि ये यहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं। FII की होल्डिंग देखेंगे
तो 6.08 के आसपास है, DII की 1.39 है। यहाँ पर DII की होल्डिंग जरूर बढ़ते हुए नजर आ रही है थोड़ी सी, पब्लिक की होल्डिंग जो है 20.48 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद देखेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस, सब्सक्राइबर लॉस बॉटमिंग आउट बट लिक्विडिटी एक मेजर कंसर्न है इसके लिए, जो कि मोतीलाल ओसवाल ने इसमें हाईलाइट किया है। जो रिजल्ट्स आए थे उसके अंदर की हाईलाइट्स की थी, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं जो मैनेजमेंट का इज फोकसिंग ऑन 5 स्ट्रेटेजिक एरिया, जो मैंने बताया इम्प्रूवमेंट इन ARPU जो है रिवेन्यू पर जो यूजर होता है उसको बढ़ाने में है, जो कि सर इंक्रीज भी हुआ इनका। डिजिटलाइजेशन ऑफ कस्टमर्स, न्यू फास्ट ग्रोइंग बिजनेस एरियाज, जैसे मैंने आपको बताया जो कि अदर फील्ड्स में जा रहे हैं वहाँ पे जो फास्ट ग्रोइंग एरियाज हैं उसके अंदर अच्छा मार्केट ग्रेप कर रहे हैं, जो इंटरप्राइज है, क्लाउड सर्विस है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है IoT। तो ड्राइविंग पार्टनरशिप एंड डिजिटल रिवेन्यू स्ट्रीम्स, और काफ़ी अच्छी यहाँ से भी ग्रोथ इनको मिल रही है। इसके बाद है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो आप देख सकते हैं ये जो कमेंट्री है और ये काफ़ी इसको आगे ले जा सकती है। और बॉटमिंग आउट बताया जा रहा है, जो सब्सक्राइबर ये लॉज कर रहे थे कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद आप देखते हैं वोडाफोन आइडिया का, द कंपनी सफर्ड ए लॉस फॉर 10th स्ट्रेट क्वार्टर, जैसे मैंने आपको अभी बताया इट इज द ओनली वन अमंग पीयर्स टू पोस्ट ए लॉस। तो आने वाले टाइम में ये लॉसेज और भी कम होते हुए आपको नजर आ सकते हैं जैसे जैसे दूसरा फील्ड वो करेंगे। तो नैरो हुआ है लॉस, जैसे मैंने आपको बताया 4532 से 7218 पहले हुआ करता था, अब ये हुआ है। और हेल्प्ड बाय वन टाइम गेन फ्रॉम इट्स स्टेक सेल इन इंडस टावर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प उससे मिलती हुई नजर आई है। जैसे मैंने बताया ARPU जो इनका इंक्रीज हुआ है 121 के आसपास 119 से, टोटल सब्सक्राइबर स्टूड एट 26.98 करोड़, और ग्रोथ सब्सक्राइबर रिड्यूस्ड बाय 20 लाख इन द रिपोर्टेड क्वार्टर कंपेयर्ड विद ए डिक्लाइन ऑफ 80 लाख इन द प्रीसीडिंग 3 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का है, इंप्रूव्ड 4G नेटवर्क हैज हेल्प द कंपनी टू रिटेन सब्सक्राइबर्स। तो CLSA वगैरह का ये कहना है कि जो डेट है इनके ऊपर वो एक मेजर कंसर्न है और आने वाले टाइम में उसके ऊपर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया परफॉर्मेंस, द रिसर्च फर्म साइड इज अनसेटिस्फैक्ट्री एंड द कंपनी इज रेलिंग अंडर ए डेप्ट लीड बाय स्पेक्ट्रम पेमेंट लाइबिलिटीज एट 11,710। तो गोल्डमैन सच का भी कहना है कि कैपिटल शॉर्टफॉल है 20,000 करोड़ के आसपास की बिटवीन दिसंबर 2021 एंड अप्रैल 2022। तो इस टाइप की रिपोर्ट्स इनके ऊपर आती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद देख सकते हैं जो CEO हैं उनका कहना है VI इज रेडी फॉर 5G रोल आउट। तो जो स्पेक्ट्रम बैंड है 3300 MHz और 3600 MHz का वो काफ़ी एक्सपेंसिव है उनका कहना है। ही सैड टेलको विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन एंड हैज डिपॉजिटेड अर्नेस्ट मनी टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं हैज डिपॉजिटेड, तो ये डिपॉजिट किया जा चुका है और ये पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके बाद आप सकते हैं फंड रेजिंग ऑन ट्रैक एंड टैरिफ हाइक एट राइट टाइम। तो वोडाफोन आइडिया का कहना है, ये भी 15 फरवरी के आसपास की न्यूज है, कि जो फंड रेजिंग है जैसे हमें पहले भी पता है 25,000 करोड़ के आसपास का ये फंड रेज कर रहे हैं अपनी डेट को रिड्यूस करने के लिए, स्पेक्ट्रम के लिए और नए फील्ड्स के अंदर ये जो जा रहे हैं उसके लिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इनका कहना है कि फंड रेजिंग जो है ऑन ट्रैक है और ये अर्ली 2021 करते हुए इसे कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है और वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये 2015 की कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं 20 अप्रैल 2015 की। यहाँ पर एक ब्रेकआउट ये स्टॉक जो है इस लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं काफ़ी पहले की चल रही है और यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ सकता है। ये जो है ब्रेकआउट आपको 13 रुपये से ऊपर अगर ये जाता है स्टॉक क्लोजिंग बेस पे वीकली चार्ट के ऊपर, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग बेस पे अगर 13 रुपये 20 पैसे से ऊपर जाता हुआ स्टॉक नजर आता है तो बिल्कुल ये एक अच्छे मोमेंटम के अंदर आपको स्टॉक दिखाई दे सकता है। अब इस बड़ी लाइन को जो मैंने लगाया था ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, 2015 से ये लाइन चल रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक रेंज के अंदर ये स्टॉक जो है यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं आप देख सकते हैं इस पैटर्न के अंदर ये स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता है, अगेन इस लाइन के ऊपर आ रहा है और ये आपको अपवर्ड मूवमेंट में दिखाई देगा। अगेन ये स्टॉक जो है इस लाइन को टच करता हुआ ऊपर दिखाई देगा, जो कि लाइन बनती है इसकी 15 रुपये
60 पैसे 65 पैसे के आसपास की। तो अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है 18.5-19 रुपए तक बिल्कुल जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फंड रेजिंग कर रहे हैं, नए फील्ड के अंदर जा रहे हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट का फोकस है वो इसे टर्न अराउंड करने का है, दूसरे जो एरियाज हैं, और बिल्कुल ये कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है आने वाले टाइम में, बट आपको ये ओवरनाइट नहीं होगा, 3 महीने या 6 महीने में नहीं होगा, आपको इसे थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ेगा, और जैसे जैसे टर्न अराउंड करेगा वो स्टॉक प्राइस के अंदर भी रिफ्लेक्ट चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने पहले काफ़ी नीचे के लेवल पे भी इसको कहा था ये टर्न अराउंड होगा, और इसने काफ़ी अच्छे लेवल दिखाए हैं, यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे रहा है, बट आने वाले टाइम में ये काफ़ी ऊपर के लेवल दिखा सकता है। इसके बाद हम लगाएंगे इसे आवरली चार्ट के ऊपर। आवरली चार्ट पे अगर शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो किस टाइप का स्टॉक ये दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर आवरली चार्ट देख सकते हैं, ये आवरली चार्ट पे मैंने कैंडल पैटर्न लगाए हैं, ये पैटर्न आप देख सकते हैं, और जो ट्रेंड लाइंस मैंने लगाई हैं यहाँ देख सकते हैं, एक रेंज काफ़ी बड़ी थी और धीरे धीरे ये छोटी रेंज के अंदर जा रहा है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप देख सकते हैं 2-3 बार यहाँ पर फेस किया है, अगेन यहाँ पर फेस किया है, तो देख सकते हैं डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड बनती है, और 11 रुपये 70 पैसे 11 रुपये 50 पैसे तक अगर स्टॉक आता है बिल्कुल इसे अकोमोडेट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देने का दमखम रखता है, और 18-19 रुपये आपको आने वाले कुछ ही टाइम में ये दिखाता हुआ भी नजर आएगा। तो डाउन साइड आप देख सकते हैं इस चार्ट के ऊपर, आवरली चार्ट के ऊपर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं कि इस टाइप से ये स्टॉक जो है आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड है, और अपसाइड इसके अंदर काफ़ी अच्छी बनती है। अगर निफ्टी मेजर अगर नीचे भी आता है तो सेकंड सपोर्ट इसका जो बनता है, फर्स्ट जो सपोर्ट है इसका 11 रुपये 70 पैसे के आसपास का बनकर आता है, और सेकंड सपोर्ट जो है 10 रुपये 70 पैसे के आसपास का है, बट ऊपर के लेवल अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल 18-19 रुपये के इजिली निकलते हैं, और सेकंड अगर ये 18-19 को ब्रेक करता है तो 24 रुपये तक भी स्टॉक जाता हुआ आपको नजर आएगा, जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स चेंज होंगे, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, रख सकते हैं, वेल्थ को डबल क्रिएट करके दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और स्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, और छोटा ही पैसा लगाना है जब तक ये चीजें चेंज नहीं हो जाती, इसके अंदर बड़ा पैसा लगा के अभी नहीं चलना है। थैंक यू, धन्यवाद।